नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, तस्वीरें सामने आ गई है रुपौली विधानसभा की, जहां सुबह से ही मतदाताओं का जोश पूरी तरह से हाई देखा जा रहा है। आप खुद भी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कतार में लगे हैं मतदाता और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर के तमाम मतदाताओं में जो उत्साह है वो बखूबी देखा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि वहां मौजूद मतदाताओं का साथ आज मौसम ने भी दिया है। जी हां, बादल किया हुआ है और इसके साथ ही बारिश वाला मौसम है, जिसके चलते लोगों को बड़ी राहत मिली है। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में जितने भी मतदाता हैं, वे अपना मत का उपयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच चुके हैं। और जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मतदाताओं ने आखिर क्या कुछ कहा है वोटिंग को लेकर के, आप खुद सुन लीजिए। चुनाव है, उत्साह हो रहा है। हाँ। देखा, देख लीजिए ही माहौल कितना, कोई व्यवस्था नहीं। बारिश पड़ेगा तो फिलहाल हो जाएगा सब इंतजाम, क्या होगा। बारिश को देख के भी रहना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, साफ व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन सुबह का वक्त है, लंबी कतार है, काफी लंबी कतार है। रोजा काम करने वाला सब है, सुबह सुबह आता है मधु सब गिरा था अपना आदमी। किस चीज़ को लेकर वोटिंग करें? वोटिंग चुना जाएगा जो ढंग का देखा जाएगा, चुना लगा और कुछ विकास के कौन से मुद्दे? वही विकास से मुद्दा है। देखिए मार्केट में क्या स्थिति है, पानी गड़ा गड़ा रहता है पूरा सब दिन, यही सब स्थिति है। क्या नाम है? अखिलेश यादव। अच्छी है सबसे पहले क्या वोटिंग के लिए पहुंची? आज घर का कामकाज भी होता है, लेकिन सब छोड़ कर आए हैं सुबह सुबह वोटिंग के लिए। हाँ। कौन कौन आए परिवार? छह परिवार हम लोग हैं, छह वो आए हैं। सब लोग सबसे पहले सब साथ आए हैं, सब पहले आए हैं, सबसे पहले सारा काम छोड़ के आज पहले वोटिंग करने। हाँ। तो क्या मुद्दा है यहाँ का, आप लोगों को क्या चाहिए? सरकार सरकार जो अच्छा काम करता हो उसी को चुनेंगे। यहाँ के प्रतिनिधि विकास को लेकर वोटिंग करने आए हैं। जी है, बट यहाँ का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पानी कीचड़ जमा हुआ है, ऊपर से बारिश भी आने वाली है। अच्छा। कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं किया गया है। अच्छा। और क्या बोले, तो किन चीज़ों को लेकर आप वोटिंग कर रही हैं, मुद्दे क्या हैं यहाँ का जो व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए? और क्या, सरकार से तो यही निवेदन है कि यहाँ का जो व्यवस्था है इसको ठीक करे। सब शिक्षा वगैरह, हाँ, सड़कें वगैरह यहाँ पे सही हैं? हाँ, सड़क तो सब तो ठीक ही है, बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है और कुछ नहीं। नाली कुछ ही तो है नहीं, नाली उली बना नहीं है, बनेगा तो पता नहीं कब बनेगा इधर नाली। क्या नाम है? मोनिका। तो आपने मतदाताओं की वो बातें सुनी जिसमें उन्होंने मुद्दे को लेकर के मत दे रहे हैं इस बात को रखा, और इसके साथ ही क्या कुछ व्यवस्था वहां पर उन सभी के लिए की गई है उसकी जानकारी भी दे दी है। इस बीच आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार की सियासत में पिछले दिनों गजब की खलबली देखने के लिए मिली। मुख्य रूप से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जी हां, बता दें कि एक तरफ जहां जेडीयू की ओर से कालाधर मंडल चुनावी मैदान में है, तो वहीं आरजेडी की ओर से बीमा भारती को जिम्मेदारी दी गई है, टिकट सौंपा गया लालू प्रसाद यादव की ओर से। तो वहीं बात करें तीसरी ओर, तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शंकर सिंह ने भी पूरा दमखम लगाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन तीन प्रत्याशियों के बीच ही जो मुकाबला है टक्कर वाला वो माना जा रहा है। ऐसे में आखिर मतदाताओं का विश्वास किसे सबसे ज्यादा मिलेगा, यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।